सूर्य कुमार यादव ने T20 क्रिकेट में हासिल किया बड़ा मुकाम, धोनी रैना को छोड़ा पीछे और क्या कहना मत। अगर आप भी जाना चाहते हैं पूरी खबर तो इस वीडियो में हम बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बिना टाइम इसके वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ समय से बेहद ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को कई मैच जीता है। साल 2022 में वह T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। उनके पास वह काबिलियत है कि किसी भी गेंदबाज के आक्रमण का धजिया उड़ा सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में सूर्य कुमार यादव ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और उन्होंने दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में भारतीय टीम को जीतने के लिए 177 रन का टारगेट दिया था। टीम इंडिया की शुरुआत बहुत ही खराब थी। अब ओपनर ईशान किशन और सुमन गिल जल्दी आउट हो गए थे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर साझेदारी की। सूर्य कुमार यादव ने 34 गेंदों में 47 रन बनाए, वह एक फाफ सेंचुरी चुक गए और टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाई। उनके धमाकेदार पारी से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना इन दोनों ही बल्लेबाज को पीछे छोड़ दिया है। सूर्य कुमार यादव ने पिछले कुछ समय से बैटिंग की नई कैली लिखी है। वह टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में अहम कड़ी बन गए हैं। वह मैदान पर तरफ से स्ट्रोक लगाने के लिए फॉर्म से है और नंबर 4 पर भारत के लिए भरोसेमंद बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने भारत के लिए 46 मैच में 40 में कुल 1625 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक भी शामिल है। तो आप लोग क्या लगता है सूर्य कुमार यादव बैटिंग से और क्या करने में कर सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही इससे पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।